में जिस तरीके से महागठबंधन की संयुक्त पीसी में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा की, उससे लगा महागठबंधन में नीतीश तेजस्वी के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा कद है। लेकिन आज मांझी और बिहार सरकार के एक मंत्री के बयानों में जो अंतर दिखा उससे लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मांझी और विजय चौधरी का दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बयान है उसमें दोनों की सहमति साफ तौर पर एक नहीं है। और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट में काम करते हैं, और इस दृष्टिकोण से अगर ईडी है चाहे ईयू है जो भी हो बिहार में एक्टिव हो करके अगर वो काम कर रही है वो एजेंसी, तो मैं समझता हूँ इसमें बुरा क्या है। होना चाहिए, यहाँ जो भी जहाँ भी छापा पड़ रहा है वहाँ लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। वो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आज कौन नहीं जानता है कि किस तरीके से उनका खुल्लम खुल्ला अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ये कौन नहीं देख रहा है।